आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी और मुझे लगता है कि भारत का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप इनके बारे में भली भांति जानते होंगे। और फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग इनका एक और परिचय है। देखिए, जब पाकिस्तान की बात होती है, हमारा पड़ोसी है आप सभी जानते हैं, और आप सभी लोगों को ये भी मालूम है कि 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को किसी ने भारत से अलग किया धार्मिक आधार पर, तो वो थे अली जिन्ना। इनका पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। और हम आज से क्या करेंगे, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको देंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं, आप विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का उस चुनाव में आना स्वाभाविक हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना हो या पाकिस्तान हो, इसका सहारा हमारे देश के नेताओं को पड़ता है। और अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और बाकी 5 राज्यों में भी चुनाव है, तो इसीलिए आपको मालूम है कि इनका फिर से नाम उछलने लगा है। और मुझे लगता है कि नहीं आए अगर चुनाव में इनका नाम, तब भी आप लोगों को इनके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि अगर पाकिस्तान हमारा हिस्सा होता तो कितना प्यारा होता। आप देखिए, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा होता, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा होता, और आज हम लोग देख रहे हैं ना, जो हमें ईरान का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है इस क्षेत्र में जाने के लिए, वो हमें नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट यहाँ से व्यापार कर सकते थे, आज जा सकते थे। तो एक बार आप लोग प्यारे भारत को देख लीजिए, ये है हमारा प्यारा भारत एशिया में। और अपने पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, और याद रखिए बांग्लादेश वही है जो आप देखते हैं कि 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और एक नया देश उभर के आता है, बांग्लादेश। ठीक है, यानी कि हमसे टकराने की हम लोगों ने नतीजा पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ा कि हम लोगों ने 2 टुकड़ों में उसे बांट दिया था। म्यांमार भी आपका हिस्सा है, भूटान भी आपका पड़ोसी है, नेपाल, ऊपर चाइना, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए कौन कौन से राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो आप सभी जानते हैं गुजरात से भी आपकी सीमा पाकिस्तान की लगती है, राजस्थान से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है, और जम्मू कश्मीर से भी लगती है, और लद्दाख से भी लगती है। और याद रखिए, हमारे जो पीओके वाला हिस्सा है, यानी कि पाकिस्तान जो कब्जा किए हुए है, वो हमारा लद्दाख वाला हिस्सा है। अब आप देखिए कि आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग उसे भी अपने कब्जे में ले लें। और इसीलिए आप देखते हैं कि अफगानिस्तान से हमारा वही हिस्सा लगता है जो आपका पाकिस्तान कब्जे किए हुए लद्दाख का हिस्सा है। तो देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको, मोहम्मद अली जिन्ना है, और इन्हें पाकिस्तान के बंटवारे का एक तरह से मुख्य कारण भी माना जाता है। और इसके कई कारण है, एक तो सबसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण था इनकी अपनी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी मिलनी तय थी। और आप सभी लोगों को ये भी मालूम होगा कि आप देखिए कि अगर एक, मान लीजिए एक बड़ी पार्टी है, आप लोग देश की किसी बड़ी पार्टी को ले लीजिए, और आप देखिए कि उसमें कई बड़े नेता हैं, और इन्हें लगता था कि इन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिल सकता है, इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है भारत का, तो इन्होंने सोचा कि एक नया देश क्यों ना बना ले मुस्लिमों के लिए, और उसके आप देखें कि ये प्रधानमंत्री बनने की पूरे इनके एक तरह से चांस थे, तो इन्होंने वही कदम उठाया, और इसीलिए आप देखते हैं कि बंटवारा कर देते हैं। और 1934-35 तक आप देखेंगे इनका इस तरह का कोई बयान नहीं था, लेकिन चुनाव होता है जो, उसके बाद इनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है राजनीतिक। तो इनके नाम की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना इनका नाम है पूरा, और इनका उपनाम की बात करें तो कायदे आजम, बाबा ए कौम और पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी इन्हें कहा जाता है। आप लोग नीचे लिखिएगा, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1876 को कहाँ होता है, कराची, ब्रिटिश भारत में। अब आप कहेंगे कि ब्रिटिश भारत क्यों करें, क्योंकि आप देखिए 25 दिसंबर 1876 को जब इनका जन्म होता है, उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारा, और पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, तो कराची आज जो पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं ना, वही इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो जिन्ना भाई और पूंजा लाल इनके पिता का नाम था। और आपको बता दूं कि देखिए एक और कहावत है, और इनकी बायोग्राफी में भी इस तरह की जो जीवनी लिखी गई है जिसके द्वारा, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया कि पहले ये हिंदू थे, फिर इसके बाद इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया हुआ था, तो इनके पिता के नाम से आप लोगों को लग रहा होगा।
और माता का नाम बात करें तो मीठी बाई, इनकी माता का नाम। पत्नी की बात करें तो अमी बाई, इनकी पत्नी। और रतन बाई पतित, इनकी दूसरी बीवी थी। और आप सभी जानते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा शादियां करते हैं, तो इनका नाम भी आप लोग उनमें जोड़ सकते हैं। बेटी की नाम बात करें तो बेटी डीना या दीना जिन्ना इनकी बेटी का नाम। और शिक्षा की बात करें तो ईसाई मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल से शिक्षा लेते हैं, उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड जाते हैं और ये लॉ की पढ़ाई करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि वकालत करते हैं, का वकील बनते हैं। और इन्होंने आप देखेंगे कई इस तरह के कानूनों में मदद भी की हुई थी, कई केस भी लड़े हुए थे। और व्यवसाय की बात करें तो वकालत और राजनेता भी थे। और राजनीतिक पार्टी की अगर बात आती है तो ये आप लोगों को जान लेना चाहिए कि देखिए 1896 1885 में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1896 में ये कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और 1913 तक एक कांग्रेस में बने रहते हैं। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और ये 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं और 1948 तक ये रहते हैं। और आप सभी लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि 1948 में इनकी डेथ हो जाती है। अगर हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना के पूर्वजों की बात करें, क्योंकि इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं और लोगों की दिलचस्पी रहती है कि आखिर ये कौन थे, तो आपको बता दें कि जानकार ये तज्जुब होगा कि, और जानकार ये कहते भी हैं कि धर्म के नाम पर भारत का विभाजन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना एक ब्राह्मण हिंदू का पोता था, और डायरेक्ट टैक्सन के जरिए मुसलमानों को अलग देश की मांग करने वाला जिन्ना का दादा कश्मीर के सप्रू ब्राह्मण थे। ये देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कई जगह ये सर्च किया हुआ है तो ये उनका सामने आया हुआ है। और जिन्ना के अलावा आप देखेंगे कि अलावा अल्लामा इकबाल और उद्योगपति अजीम प्रेमजी भी काठियावाड़ गुजरात के हिंदू थे, और जिन्होंने हिंदू धर्म के त्याग कर इस्लाम को अपनाया था, तो उस समय कुछ इन्हें फायदा रहा होगा तो इन्होंने अपना लिया होगा। और जिन्ना की जीवनी लिखने वाले भी मानते हैं कि इनका खानदान मुल्तान में रहता था और ये लोहाना जाति से संबंध रखते थे। बाद में आकर ये राजकोट के पास पनेली गांव में बस जाते हैं। वो वही अजीत बेग मानते हैं कि जिन्ना के पूर्वज पंजाब के साहिवाल राजपूत थे, तो इसको लेकर भी विवाद है। अब क्या सही था क्या गलत था ये तो वही जानते होंगे, उनका परिवार जानता होगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना सिया और सुन्नी को लेकर भी विवाद होता है, क्योंकि आप देखिए कि मुस्लिम धर्म में भी आप देखेंगे कि बंटवारा है सिया और सुन्नी में, और काफी ताक छोक चलती रहती है इनके बीच। तो मोहम्मद अली जिन्ना आखिर सिया थे या सुन्नी थे, इसको लेकर भी विवाद है। जब तक जिन्ना जीवित रहे उनका उनके सिया या सुन्नी होने का प्रश्न उतनी प्रबलता से नहीं उठा, और ना ही किसी को यह जानने की उतनी तमन्ना थी। और इसका एक कारण यह था कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम होकर भी मुसलमान नहीं थे। और इसमें आप देखें तो एक मुसलमान के दैनिक जीवन में इस्लाम की मान्यताओं नवाज रोजा का पालन करना होता था, हलाल हराम में कड़ाई से फर्क किया जाता था, परंतु जिन्ना का व्यक्तिगत इन चीजों से कोसों दूर था और किस्म किस्म की अंग्रेजी शराब सिगरेट लड़कीबाजी सुअर का मांस खाना और उनकी फितरत में था। और आप सभी को बता दूं कि मुस्लिम धर्म में शराब पीना वर्जित है, रोका जाता है, सिगरेट पीना और लड़कीबाजी यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं, कुछ और नाम दे सकते हैं, सुअर का मांस खाना। देखिए जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, उसी तरह मुस्लिम धर्म में सुअर को पवित्र माना जाता है, तो इसको लेकर भी विवाद है। और जन्म से अगर बात करें तो जिन्ना सिया समुदाय के इस्लामी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, मगर जब 1948 में उनकी डेथ हुई यानी कि मौत हुई मृत्यु हुई तो मौलवियों में इस बात को लेकर संग्राम छिड़ गया था कि अंतिम संस्कार सिया या सुन्नी रीति रिवाज से किया जाए, और आखिरकार ये फैसला हुआ था कि दोनों मतों की मान्यता के अनुसार संस्कार किया जाए, किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का। तो इस पर भी विवाद था। अब बात करें मोहम्मद जिन्ना की यानी कि अली जिन्ना की प्रेम कहानी भी रही है, लव स्टोरी भी रही है, और मुझे लगता है कि कई लोगों को ये जानने में भी बड़ी दिलचस्पी रहती है, लव स्टोरियां भी। तो बंबई में रहते हुए जिन्ना ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उन्हें ब्रिटेन की कंपनी ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग में काम मिल गया, और माँ के कहने पर जिन्ना ने ब्रिटेन जाने से पूर्व एक लड़की से शादी कर ली। और आपको बता दूं कि उस समय देखिए छोटी ही एज में छोटी ही आयु में शादियां हो जाती थी, अभी भी आप देखेंगे कई क्षेत्रों में इस तरह की शादियां होती भी हैं।
मगर यह शादी अधिक समय तक नहीं टिक सकी और साल 1918 में जिन्ना ने अपनी पारसी दोस्त सर देंसा पितित की बेटी रति से 16 साल की आयु में ही प्रेम विवाह कर लिया, जिसे आप लोग लव मैरिज कहते हैं। और आपको एक और शब्द बताते हैं, संस्कृत में से राक्षस विवाह भी कहते हैं, ठीक है, निशाचर विवाह। अधिक विवाद के बाद रति ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और शादी के एक साल बाद उसने डीना को जन्म दिया, यानी कि इनकी बेटी को। जिन्ना की इस प्रेम कहानी की शुरुआत तब हुई जब 1916 के समर के दिनों में देनिसा पोतित ने उनको गर्मियां बिताने के लिए दार्जिलिंग आने का न्योता दिया था और दार्जिलिंग की चाय पीते पीते इन्हें प्यार हो जाता है। जब जिन्ना अपने दोस्त के घर दार्जिलिंग जाते हैं तो उनकी मुलाकात देनिसा की बेटी रति से होती है और जो बेहद खूबसूरत थी, और जिन्ना को 40 साल की आयु में प्यार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एज में, और इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार में कोई एज मायने नहीं रखती है, लोग कहते हैं, ठीक है। और इसके कई आप लोग देश भर में उदाहरण भी जानते हैं, देश दुनिया में भी। जब जिन्ना ने देनिसा से उनकी बेटी रति का हाथ मांगा तो यह बात उन्हें पसंद नहीं आई और दोनों की दोस्ती का यही खात्मा हो जाता है। मगर रति अभी भी जिन्ना को चाहती थी, जिन्ना को क्या करती थी, चाहती थी। दोनों ने शादी कर ली और इस्लाम अपनाने के बाद रति ने मरियम बाई बन गई और विवाह के एक साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई और मरियम घरेलू विवाद और अकेलेपन से तंग आकर ड्रग्स लेने लग गई। और आजकल आप ड्रग्स का देख रहे हैं कनेक्शन किस तरह से फैला हुआ है, और देश भर में आप देखेंगे आजकल नशेड़ी गजेबी भी काफी पाए जा रहे हैं। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी करने के पश्चात भी रति कभी खुश नहीं रह पाई और नशे और अकेलेपन के कारण वह बीमार रहने लगी। और 20 फरवरी 1929 को बीमार हालत में इन्हें लंदन लाया गया और मगर वहां बच नहीं सकी और महज 30 साल की आयु में भी इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि ये दुनिया छोड़ चुकी होती है। अब बात आती है इनके राजनीतिक जीवन के, किनके, मोहम्मद अली जिन्ना की। तो आप सभी को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने जिन्ना ने 1896 में जुड़ जाते हैं और उस समय कांग्रेस दो खेमों में नरमपंथ और गरमपंथ में बटी हुई थी। जिन्ना भी आप देखेंगे नरमपंथी विचार के साथ राजनीति में उतर जाते हैं। नरमपंथी का कहने का मतलब होता है कि हाथ जोड़कर अपनी बातों को रखना, और गरमपंथी का मतलब आप समझते हैं कि ये बुलेट गोली से बात अपनी रखना, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु गरमपंथ के नेता हुआ करते थे एक तरह से माने जाएंगे। उनके विचार थे कि अंग्रेज सत्ता में रहते हुए शिक्षा, उद्योग, कानून और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करें। अली जिन्ना 60 सदस्य वाली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने थे, यानी कि सदस्य भी बने थे, और इस परिषद के अधिकतर सदस्य ब्रिटिश सरकार के हितैषी ही थे और सदस्यों को कोई विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। और परिषद के सदस्य के रूप में जिन्ना ने बाल विवाह निरोधक कानून और मुस्लिम वक्फ को जायज बनाने और सांडर्स समिति के गठन के लिए कार्य भी किया हुआ था। और इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप सभी इन सांडर्स समिति की बात हो या फिर आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात हो, बाल विवाह निरोधक कानून की बात हो, इन्हें सबको आप लोग बेहतर जानते होंगे। बाल विवाह रोकना, यानी कि एक तरह से छोटी उम्र में जो शादियां कर दी जाती थी उन्हें रोकना। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि पहले विश्व युद्ध में भारतीयों के ब्रिटेन की ओर से लड़ने का समर्थन भी किया था। और अभी तक जिन्ना एक साधारण राजनेता या कार्यकर्ता की भूमिका में थे। और आपको बता दूं कि पहले विश्व युद्ध में गांधी ने भी अंग्रेजों का साथ देने के लिए बात कही हुई थी और एक तरह से सैनिक इकट्ठा कर रहे थे गांधी जी। और उसी वक्त 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो वे इसके शुरुआत से दूर रहे, मगर बाद में मुसलमानों के नेतृत्व देने का इन्होंने निर्णय किया और इस पार्टी से ये जुड़ जाते हैं। 1913 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदस्यता हासिल कर ली थी और 1916 में आप सभी जानते हैं कि लखनऊ अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता भी ये करते हैं। और वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ समझौता होता है। और लखनऊ पैक्ट में आप देखेंगे जिन्ना ने भारत के जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वहां अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की और निर्वाचन प्रतिनिधित्व की। लीग और कांग्रेस की यह लड़ाई अगले कई दशकों तक चलती रही और एक कारण आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बंटवारे में यह भी था, यानी कि अल्पसंख्यक कहने का मतलब है कि जहां आप देखिए हिंदू अधिक हैं और मुस्लिम कम हैं तो वहां उनकी सीटों की बात करें कि अधिक एक तरह से उन्हें आरक्षित सीट दिया जाए, ठीक है, उसी पर इनकी लड़ाई थी। फिर आप देखेंगे मुसलमानों के हितों को लेकर जिन्ना ने लीग को पुनर्गठित किया और तथा कायदे आजम यानी कि महान नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। और वर्ष 1940 में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करते हैं। और 1940 के बाद आप देखेंगे जिन्ना धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे और मुस्लिम बहुसंख्यक
प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की मांग करते हैं। और आपको बता दूं कि साल 1947 में जिन्ना की वजह से ही भारत दो भागों में बट जाता है। एक आप देखते हैं नई मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की स्थापना होती है, लेकिन हमारा प्यारा भारत आप देखिए कि इस तरह का कोई किसी धर्म को लेकर नहीं बना हुआ था। हमारे देश में अभी भी आप देखते हैं कि सभी धर्म, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, इस्लाम हो यानी कि मुसलमान हो, हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। वो बड़ा अच्छा भाईचारा रहता था। आज अगर आप कुछ भाईचारे में फूट देख रहे हैं तो ये कुछ नेताओं की वजह से, फिर चाहे मुस्लिम नेता हो या फिर आपके नेता हो। और आप देखिए हमारे देश में हजारों भाषाएं बोलने वाले हैं। तो हमारा प्यारा भारत जितना सुंदर है कोई दुनिया में देश ऐसा नहीं है। बड़ी शांति भरी माहौल रहता है, बस अगर आप लोग समझदार रहें, इन नेताओं के भड़कावे में ना आए। विभाजन के बाद आप देखेंगे जिन्ना को नए राष्ट्र पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनने का गौरव हासिल किया। यानी कि जो एक ख्वाहिशें रख रहे थे, जिसको लेकर ये चाहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो, इनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो इन्हें प्राप्त हो जाती है। और यही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले जिन्ना ही पहले शख्सियत थे। और आप सभी जानते हैं कि अभी भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर पाकिस्तान के बीच अभी भी काफी विवाद चल रहा है। अब बात आती है नेहरू और जिन्ना के रिश्ता की। और एक बात और बता दूं आपको, पाकिस्तान का बंटवारा इतना आसानी से नहीं हुआ था। इसमें कई लोगों की जान गई, भारी संख्या में आप देखेंगे दंगे हुए। तब जाकर आप देखिए भारतीय राजनेता जो भी थे उस समय के, उन्होंने ये बंटवारा किया था क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ था। आप सभी जानते हैं कि जब एक परिवार में इस तरह का माहौल हो जाता है, डेली लड़ाई हो, इस तरह की सिरफुटवल हो, तो आखिरी में एक ऑप्शन बचता है कि सभी को अलग कर दिया जाए। बाप यही चाहता है। और हमारे देश में यही जो भी राजनेता उस समय के, नेहरू हो, गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये उन्हें स्वीकार करना पड़ा। नेहरू और जिन्ना के रिश्तों की बात करें तो जब भी आधुनिक भारत के दो बड़े राजनीतिक विरोधियों का नाम लिया जाएगा तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे ऊपर आएगा। और इन्हीं के विचारों की टकराहट और आपसी प्रतिद्वंद्वता ने ब्रिटिश भारत के विभाजन की लड़ाई की आग में घी डालने का काम भी किया था। और जब आप जब भारत का बंटवारा हो रहा था तब दोनों में से किसी को यह अंदाजा नहीं थी कि हालात किस स्तर तक खराब होते चले जाएंगे। क्योंकि आप सभी को मालूम नहीं होगा, आपको इतिहास अगर आप लोगों ने बेहतर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि कितना भयानक बंटवारा का परिणाम रहा पाकिस्तान के। दोनों नेता न केवल आपस में एक दूसरे के विरोधी थे बल्कि इनके बड़े समर्थक लोगों में भी आपसी मतभेद थे। और एक तरफ आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं को मुस्लिम नेता के रूप में पहचान बना चुके थे, वहीं नेहरू भारत की आज़ादी के संग्राम के बड़े हीरो के रूप में जाने जाते थे। और इसीलिए देखते हैं आप लोग कि 1947 में जब भारत का बंटवारा हो जाता है और भारत आज़ाद हो जाता है तो पहले प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनते हैं? नेहरू बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। दोनों की विचारधाराओं के चलते एक दिन ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के विभाजन का विकल्प प्रस्तुत कर दिया। और इतिहासकार कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, केवल मुद्दों तक नहीं उनमें प्रतिस्पर्धा थी, ऐसा नहीं था कि बल्कि व्यक्तिगत लिहाज से भी दोनों में काफी मतभेद थे। और दोनों प्रतिभाशाली और बड़े लोकप्रिय नेता थे मगर सिद्धांत के लिहाज से दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, यानी कि विपरीत ध्रुवीय थे। यानी कि आप उत्तर में चल रहे हैं, दूसरा दक्षिण में चल रहा है, यानी कि दोनों का मिलन ना होना। जिन्ना जानते थे कि गांधी का झुकाव नेहरू की तरफ अधिक था और वो उनके उत्तराधिकारी होंगे। एक म्यार में दो तलवार अधिक समय तक नहीं रह सकती हैं। ऐसा ही हुआ कि जिन्ना ने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग को अपना लिया था और आपसी दुनिया मतभेद और आपसी लड़ाई में तब्दील हो गई थी। और दोनों के बीच मतभेद एक दूसरे को लिखे पत्रों में जाहिर भी होता है। नेहरू ने 16 अप्रैल 1938 को एक पत्र लिखा मुस्लिम लीग को और कम्युनल पार्टी कहा, जो जवाब में जिन्ना ने भी कहा कि आपके शब्द और तरीके में दम और धोस दिखाई देती है, जैसे ही कांग्रेस ही सर्वा हो। तो इस तरह का आप पत्र में भी देख सकते हैं दोनों की नोकझोंक। जिन्ना ने आगे लिखा है कि जब तक कांग्रेस मुस्लिम लीग को बराबरी का हक नहीं देती तब तक किसी तरह हिंदू मुस्लिम समझौता नहीं हो सकता है। और भारत की स्वतंत्रता के अंग्रेजी शासन ने दोनों नेताओं को एक बार पुनः आपसी सुलह का अवसर भी दिया था मगर दोनों के बीच इतने गहरे मतभेद थे कि ऐसा ना हो पाया और भारत पाकिस्तान के विभाजन के स्वरूप में दोनों के मतभेद परिणाम हुए। यानी कि दोनों के कारण एक तरह से आप कहिए कि दोनों का एक तरह से नतीजा परिणाम रहा कि ये पाकिस्तान अलग हो गया। और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने एक बार कहा था कि महात्मा गांधी चाहते कि जिन्ना प्रधानमंत्री बने मगर नेहरू ने आत्म केंद्रित रवैया अपनाया और ऐसा नहीं हो पाया।
नेहरू किसी भी सूरत में पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और लामा का दावा है कि अगर गांधी जी के जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा को अमल में लाया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। और इसीलिए आप देखिए गांधी जी इस विभाजन को रोकना चाह रहे थे, तो वो एक तरह से सोच भी सकते थे कि इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक एक्सेप्ट ना होती बात, सभी लोग ये ना मानते कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब बात आती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में जिन्ना ने क्या विचार दिए थे, क्योंकि आपको बता दूं कि 1947 में जब भारत का बंटवारा होता है तो उस समय हमारे देश से कई हिंदू बड़े परिवार पाकिस्तान में भी जाते हैं, लेकिन आप लोग आजकल सुनते हैं कि वहाँ हिंदुओं की संख्या ना के बराबर बनी हुई है, या तो उन्हें मार दिया गया या उन्हें उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी का आधार यही था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं और तथा वे साथ नहीं रह सकते हैं, इस कारण मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। और एक बात और आपको बता देता हूँ, वैसे बहुत बातें बता रहा हूँ, देखिए जिन मुसलमानों को पाकिस्तान अच्छा लगता था वो उस समय जा चुके थे। अब मुझे लगता है कि देखिए वो अपनी इच्छा के अनुसार ही भारत में रुके हुए थे, तो मुझे लगता है कि अब उन लोगों को भी भारत को मानना चाहिए और जो वहाँ चले गए उन्हें अपना एक तरह से खुश होना चाहिए। जो बंटवारे से खुश थे वो वहाँ चले गए और जो नहीं थे वो भारत में रह गए, ठीक है। और आगे है 14 अगस्त को आधिकारिक रूप से पाकिस्तान बन गया था और लाखों की तादाद में लोग एक दूसरे देश में विस्थापित हो गए थे। और 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था, और वो अपने भाषण में कहते हैं कि पाकिस्तान में सभी धर्म समुदाय के लोगों को रहने का अधिकार होगा और उनकी पूजा विश्वास धार्मिक स्थलों की आज़ादी होगी, सभी नागरिक समान होंगे, धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप सभी ने देखा कि किस तरह से आगे चल के भेदभाव किया गया, ये दुनिया जानती है मुझे लगता है, लेकिन भारत के बारे में मुझे लगता है कि इतना नहीं देखने को मिलेगा। और आज भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान से हमारे अधिकार ज़्यादा मिले हुए हैं लोगों को, हम लोकतांत्रिक देश हैं और संविधान का भाग 3 पढ़ते हैं आप लोग, आपको मौलिक अधिकार भी दिए गए। और आप सभी को लोगों को ये भी मालूम होगा कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई उनमें छेड़छाड़ करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और यह वह भाषण था जो जिन्ना ने कि अपने विचारों के विपरीत था और उन्होंने जिस सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान बनाया था वो उसके विपरीत था, और उनकी पार्टी के अधिकतर लोग जिन्ना के इस विचार से सहमत भी नहीं थे, लेकिन देखावे के लिए उन्होंने इस तरह का भाषण दिया था। पाकिस्तान निर्माण के 13 महीने बाद तक जिन्ना जीवित रहे मगर उनके जीते ही जी, यह विचार झूठ साबित हो गया। इतना जरूर था कि पाकिस्तान के कानून मंत्री का पद एक अल्पसंख्यक को दिया गया था उस समय, दिखावे के लिए आप कह सकते हैं, मगर बाद में पाकिस्तान की संविधान और बाद की सरकारों ने हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों के जबरन धर्मांतरण की नीति को जारी रखा था, और अभी भी आप लोग सुनते रहते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितने लोग दर बदर होंगे, जब हिंसा बढ़ गई तो पाकिस्तान में चंद लाख हिंदू मुसलमानों से घिरे थे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे भारत में करोड़ों मुसलमान हिंदुओं के बीच थे, जिन्ना जानते थे कि यदि आपसी मारकाट हुई यूं ही चली तो मुसलमानों को बड़ा नुकसान होगा, साथ ही यदि भारत में रहने वाले करोड़ों मुसलमान पाकिस्तान आते हैं तो उनको बसाने की जगह नहीं बचेगी। बस उनकी मैंने बात की हुई है ना कि अपनी महत्वाकांक्षा थी, अतः उन्होंने सोची समझी साजिश हिंदुओं के साथ छलावे के तहत एक नरमी भरा भाषण दिया और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ वही हुआ और आज तक हो रहा है जो जिन्ना के विचार थे, जो जिन्ना की सोच थी। आप लोग एक और सुनते रहते होंगे इनसे फैक्ट, जिन्ना के 14 सूत्र किसे कहते हैं, ये भी काफी चर्चा में रहते हैं जब जिन्ना की बात होती है। तो मोहम्मद जिला अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के थे और वे नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे, यानी कि इससे खुश नहीं थे, और यही कारण था कि मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में जिन्ना के 14 सूत्र वाली मांग पत्र को 1929 में प्रस्तुत किया था, और इसे ही जिन्ना के 14 सूत्र हम लोग कहते हैं इसे। और जिन्ना द्वारा मांगे गए पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसमें मुख्य मांगे ये थी, कौन कौन सी थी इसमें, भारतीय संविधान संघात्मक और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को मिले। अभी आप जानते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, संघ के पास है। भारत के सभी प्रांतों में स्वराज एक ही प्रकार का हो, समस्त प्रांतों में के विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, और यानी कि अल्पसंख्यक कहने का मतलब है कि उनकी संख्या उस क्षेत्र में कम है बाकी लोगों की संख्या में, बाकी धर्म के लोगों की संख्या में या भाषा बोलने वालों की संख्या में।
केंद्रीय विधानमंडलों में मंडलों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम से कम एक हो, सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, सिंध प्रदेश को बंबई से अलग किया जाए, मुस्लिम समुदाय को सरकारी नौकरियों में योग्यता अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले और उचित प्रतिनिधित्व मिले, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संघीय संविधान में कोई भी संशोधन प्रांतों की सहमति से किया जाए और केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों में कम से कम एक तिहाई मंत्री मुस्लिम हो और संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति, भाषण की रक्षा की जाए। और इनमें से अधिकतर आप देखेंगे हमारे संविधान में मिले हुए हैं उन्हें अधिकार। धर्म की बात कर लीजिए या शिक्षा, संस्कृति की बात कर लीजिए, भाषा की बात कर लीजिए। सीमा प्रांत व बलूचिस्तान में भी अन्य प्रांतों को ही भांति ही सुधार किया जाए। पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का कोई ऐसा पुनर्गठन ना हो जिससे मुस्लिम बहुल समाप्त हो जाए। प्रांतों की सीमा परिवर्तन में मुस्लिम बहुल बहुत प्रांतों में उनका बहुमत समाप्त ना किया जाए। और इसमें देखें कि किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव पेश ना पेश किया जाए जिसका किसी समुदाय के 3/4 सदस्य विरोध करें, यानी कि अगर 3/4 सदस्य विरोध करते हैं तो इस प्रस्ताव पर रोक लग जानी चाहिए। अब बात आती है कि जिन्ना ने जीवन के अंतिम समय में कहते हैं कि पाकिस्तान निर्माण को अपनी सबसे बड़ी गलती भी माना था। वो कहते हैं ना कि अंत टाइम में लोग अपने जो कर्म करते हैं उन्हें भी सोचते भी हैं और लोगों को पछतावा भी होता है, तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें भी पछतावा हुआ। और यहाँ दी गई घटना में मोहम्मद यानी याहिया जान के हवाले से दी गई, उन्होंने 26 नवंबर 1982 को फ्रंटियर पोस्ट न्यूज पेपर में एक लेख लिखकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। किसने? थे मोहम्मद याहिया जान। इन्होंने क्या लिखा था इसमें? उन्होंने लिखा था कि मैं उस समय फ्रंटियर प्रांत का शिक्षा मंत्री था और मेरी मुलाकात जिन्ना का इलाज करवाने वाले डॉक्टर कर्नल डॉक्टर इलाहिफ से मुलाकात हुई और उनके अनुसार जिन्ना जब अपनी अंतिम सांस गिन रहे थे तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली जिन्ना से मिलने आए और उन लियाकत को अपने पास बैठा कर जिन्ना आग बबूला हो गए और बोले, तुम अपने आप को बड़ा इंसान मानने लगे हो और तुम नाचीज हो, तुम क्या समझते हो पाकिस्तान तूने बनाया। अब इस तरह का शब्द समझ रहे हैं आप लोग, माफी चाहता हूँ इसमें लिखा हुआ है तो मैंने यूज किया हुआ है, नहीं मैंने बनाया और मैंने ही तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया है। ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। और आगे देखेंगे आप लोग, पाकिस्तान बनाना मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, ये किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। वे आगे कहते हैं कि यदि वे ठीक हुए तो दिल्ली जाकर पंडित नेहरू से मिलेंगे और अपनी पुरानी बेवकूफियों को बुलाकर फिर से दोस्त बन जाएंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उनकी डेथ हो गई, वो ठीक नहीं हो सके। बीमारी और निधन की अगर हम लोग डेथ की बात करें यानी कि इनकी मौत की बात करें तो 1930 के दशक में से जिन्ना तपेदिक से पीड़ित थे और केवल उनकी उसकी बहन और उसकी करीबी कुछ लोग ही उसकी हालत से वाकिफ थे, यानी कि उन लोगों को मालूम था। 9 सितंबर 1948 तक जिन्ना भी नेमोनिया से पीड़ित थे और डॉक्टरों ने उन्हें कराची लौटने का आग्रह किया जहाँ से बेहतर देखभाल प्राप्त कर सकते थे और अपने समझौते के साथ उन्होंने 11 सितंबर की सुबह वहाँ भेजा गया था। उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर इलाही बक्स का मानना था कि जिन्ना का दिमाग बदलने का कारण मृत्यु का पूर्वाभास था और विमान उस दौरान कराची में उतरा जिन्ना के लेमोसिन से मिलने के लिए और एक एम्बुलेंस जिसमें जिन्ना का स्ट्रेचर रखा हुआ था। शहर में सड़क पर एम्बुलेंस टूट गई और गवर्नर जनरल उसके साथ आने वाले लोगों के आने का इंतजार करने लगे और उसे कार में नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि वह उठ नहीं सकता था। वे दमनकारी गर्मी में सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे क्योंकि ट्रक और बसें गुजरती थी। मरते हुए आदमी को ले जाने के लिए अनुपयुक्त और जिन्ना की मौजूदगी के बारे में नहीं पता था। एक घंटे के बाद प्रतिस्थापन एम्बुलेंस आया यानी कि दूसरी एम्बुलेंस आई और उन्हें लैंडिंग के 2 घंटे बाद वहां पहुंचने के लिए जिन्ना को गवर्नमेंट हाउस पहुंचाया गया। जिन्ना की मृत्यु के बाद उस रात यानी कि 11:20 पर पाकिस्तान के निर्माण के ठीक एक साल बाद यानी कि 11 सितंबर 1948 को कराची में उनके घर पर हुई और जिन्ना को दफनाए जाने पर सिया सुन्नी भेद भी उत्पन्न हुआ था। इसी समय उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने घर में एक सिया के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की थी जबकि राज्य के सार्वजनिक रूप से एक सुन्नी अंतिम संस्कार नवाज ए जनाजा की व्यवस्था की गई थी जहां आप कराची में मजार एक कायद भी है। इनकी जो मजार है वो कराची में आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरी कहानी एक तरह से जिन्ना की। और आप सभी लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि 1948 में ही आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इन ये दोनों 1948 तक जीते, उसके बाद इनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन आप सभी लोगों को ये भी मालूम होगा कि राजनेता जो भी थे पाकिस्तान के हों या भारत के हों चले गए, लेकिन राजनीति उनके नाम पर अभी भी होती रहती है, उनके नाम पर वोट बैंक अभी भी बटोरते रहते हैं।
तो ये कहानी रही है मोहम्मद अली जिन्ना की, और मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में जो राजनीति होती है उसमें जो बंटवारे की राजनीति होती है, और पाकिस्तान को बंटवारे में इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो कम से कम आपको इनके बारे में मालूम तो होना चाहिए, तभी तो आप लोग वोट बेहतर वोट दे पाएंगे, किसे देना है किसे नहीं देना है। चलिए हम लोग तो मिलते रहेंगे, अगर आप लोगों को किसी और बारे में बात करनी है तो बताइए, उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे।